हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आ गए एक नए वीडियो के साथ। तो कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि कल तो बहुत ही मतलब क्या था, थोड़ा सा अपलोड किया था हमने लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं आया। तो अभी तो कुछ नहीं दोस्तों, चलो अभी मस्त नाश्ता कर लिया हमने। नाश्ते में था भिंडी, मतलब भिंडी और रोटी साथ में चाय। तो अभी जाते हैं, गायों भैंसों को बाहर लेना है और आज खेत में मजदूर भी है, कपास कॉटन कलेक्शन में कपास लेने में। तो चलो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो आज बहुत बढ़िया, मौसम भी बहुत बढ़िया है और तबीयत भी थोड़ी सी हमारी ठीक हो गई है। तो कल तो बहुत ज़्यादा तबीयत का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मज़ा नहीं आ रहा था। गाइस, तो वेरी गुड आफ्टरनून। तो सुबह मतलब के दोपहर के 8 बजे, अभी बजे 2:30। तो अभी हम आ गए हैं खेत में, डायरेक्ट कॉलेज के से आ गए थे, थोड़ी देर आराम किया, अब डायरेक्ट खेत में। खेत में इसलिए क्योंकि कपास में हमें पानी स्टार्ट करना है। तो अभी आ गए थे और यहाँ पे देखो, दूसरे खेत में जो हमने गेहूं को बोया था वो बहुत बड़ी तरह से उगाए हैं। तो हम जा रहे हैं अभी मोटर स्टार्ट करने पानी की, और चाली है इसकी यहाँ बन नहीं हो रही है। देखो अच्छी तरह से देख सकते हैं गेहूँ कितने बढ़िया हो गए हैं, और कल रात से इसकी यहाँ चालू है, को पता ही नहीं चल रहा कि इतना ज्यादा कौन याद कर रहा है। पहले यहाँ देख लेते हैं कि पानी इसको खोल देते हैं। इसको बंद कर देते हैं। हो गया रेडी, अब मोटर स्टार्ट करते हैं। गाइस गुड इवनिंग। तो अभी घास की कटाई करने में आ गए, और पहले तो मैं ये बता दूं कि पहले हम जो खेत में थे, कपास के खेत में थे, क्योंकि वहाँ पे हम पानी पिला रहे थे कपास में, पर दिक्कत यह आ गई कि लाइट चली गई। तो अभी टाइम भी हो गया है लाइट जाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल मतलब कल पिला देंगे उसको। तो अभी घास की कटाई कर लेते हैं, फिर चलते हैं बाजू के खेत में गेहूँ के। फिर पहले तो घास की कटाई कर लेते, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। पहुंच गए हम गेहूं के खेत में, और यहाँ पे देख सकते हैं गेहूं बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से वो अपनी ग्रोथ कर रहा है। तो साइड में चलते हैं क्योंकि तो थोड़ी सी तबीयत आज भी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि नाजुक तो रहेगी, क्योंकि सर्दी है तो 2-3 दिनों से ऐसे तो जाएगी नहीं। बम बम पहुंच गए गेहूं के खेत में। आप देख सकते हैं गेहूं का खेत कितना हरा भरा लग रहा है। तो आप और यहाँ पे जुआर है, जुआर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जुआर का भी खेत देखो। अभी थोड़े दिन बाद हम आपको दिखाएंगे ना, तो बहुत बढ़िया लगेगा, आप देखना, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा।
चलो तो अभी शाम हो गई है और गेहूं का खेत हमने आपको बता दिया सब कैसा, बहुत बढ़िया गेहूं और जुअर बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से अपने ग्रोथ कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, बोला जो थोड़ा सा खड़ रह गया था, मतलब सॉरी माफ करना, मेरी तबीयत खराब है, मैं आपको हर बार कहता हूँ। तो वो अभी हम जा रहे हैं, घास की कटाई कर दी थी लेकिन वो थोड़ा घास लेकर पहुंचाना है तो वो रह गया था। तो चलो मिलते हैं अब घर ही डायरेक्ट, चलो बाय बाय। हे गाइस गुड इवनिंग। तो अभी हम आ गए घर और शाम थोड़ी बहुत रात हो गई है और अभी हम जाते हैं, हमारे पापा गए बाजू मतलब के ट्रैक्टर लेके गए तो अभी आए नहीं है। तो अभी हम जा रहे हम जा रहे हैं दूध देना, तो चलो वहां पे चलते हैं, मिलता हूँ मैं घर पे फिर घर आके। तो हमारे वीडियो में यही बने रहना कंटिन्यू। हे गाइस तो खाना खा लिया है और आज थोड़ी सी तकलीफ मतलब के बहुत ज्यादा हिचकिया बन नहीं हो रही है, तो मतलब के अभी लोग खत्म करते हैं, मिलेंगे कल। तो खाना खाते वक्त लाइट चार्ज कम था तो इसलिए फोन चार्ज में मुका था, इसलिए मैं आपको पूरा वीडियो बता नहीं पाया। तो चलो मिलते हैं हमारे वीडियो में, यूं ही लाइक और सब्सक्राइब मतलब के कमेंट करते रहना, और एज किया कि कोई दवाई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कहना क्योंकि बहुत परेशान कर रखा है आज हमने। तो चलो मिलते हैं कल, प्लीज कोई एज किया की दवा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहना। बाय बाय, हर महादेव।